हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटर अंडा करी, वही आप लोग का साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कैसा बना है मेरा ये अंडा मटर करी। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसका लिए मैंने लिया है 4 अंडा। अंडा को मैंने काट लिया है और लहसुन ली हूँ 7-8 कलिया को पीस के, और एक प्याज, धनिया और 2 टमाटर और हरा मटर। इसे मैंने रेडी कर लिया है। ये लहसुन है, लहसुन को 6-7 कलिया लहसुन को मैंने पीस लिया है। अब चले बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। ऑयल गरम हो चुका है, इसके लिए मैंने ड्राई मसाला लिया है, जीरा, इलायची, गोटा इलायची और तेज़पत्ता और हरा मिर्चा और लहसुन को मैंने डाल रही हूँ अभी इसी ऑयल में। और इसे मैं 2-4 सेकेंड भून लेती हूँ। उसका बाद इसमें डालूँगी मैं कटी हुई प्याज। प्याज को भी मैं भूनूंगी अच्छे से सॉफ्ट होने तक, ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन आने तक भूनूंगी। और ये बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए मटर अंडा करी, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और इसे मैं भून लेती हूँ सॉफ्ट होने तक। आप लोग कैसे बनाते हैं मटर अंडा करी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। हर हर किसी का बनाने का अलग अलग तरीका है, तो मैं आज इस तरीके से बना रही हूँ। प्याज को मैं लाल होने तक भून लूँगी। देखिए प्याज हल्का लाल हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटो। टमाटो को भी मैं सॉफ्ट होने तक भूनूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। से मैं मिला लेती हूँ, और नमक डालने से टमाटो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए मैंने पहले ही नमक डाल दिया है। और अब इसमें मसाला ऐड करूँगी मैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये है तीखी लाल मिर्च पाउडर, और जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, साथ में मिक्स है उसे मैंने डाल दिया है। अब इससे मैं अच्छे से मसाले को भूनूंगी। और इसे अच्छे से भून लेती हूँ। इससे पकने के लिए मैं थोड़े पानी ऐड करूँगी। टमाटो को अच्छे से गला लूँगी और मसाले अच्छे से भून लूँगी। इसे पकने के लिए मैं अब पानी ऐड करूँगी थोड़ी। और थोड़ी पानी ऐड करके इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ 2-4 मिनट। देखिए अच्छे से टमाटो गल चुका है, देखिए मसाले भी भून चुका है अच्छे से। टमाटो सारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी हरा मटर पहले। Thank you.
अब इसे ढक के 2-3 मिनट ढक के पकाऊंगी। और अब मटर को पकने के लिए, हमें सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी पानी ऐड करके इसे और 3-4 मिनट में पकाऊंगी। ढक के पकाऊंगी 3-4 मिनट इसे। चेक करते हैं, मटर अभी 90% पक चुका है। तो और मैं थोड़ी पानी ऐड कर दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी अंडा, जो कट कट के रखी हुई अंडा को डालूंगी इसमें। सारे अंडा इसमें डाल देती हूँ मैं ग्रेवी में। और अब मैंने डाली है थोड़ी काली मिर्च पाउडर। अब इसमें डालूंगी हरा धनिया मैं, और अब इसे मैं ढक के पकाऊंगी 6 मिनट। देखिए ये अभी बन के रेडी है। आप लोग को वीडियो कैसा, मेरा रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कोई मेरा चैनल में नया आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज में कोई देख रहा है तो पेज को फॉलो करना ना भूले। देखिए ये आप लोग चावल या रोटी का साथ भी आराम से खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए, और बच्चे भी ये बहुत ही पसंद करेंगे। जो मटर खाने पसंद नहीं करते वो भी, बच्चे भी खाएंगे ये। तो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।